फ्रेंड्स मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से आज रबर मैट के बारे में लेकर के आया हूं जो जो पैनल के सामने एस टी पैनल एल टी पैनल के सामने जो रबर मैट डाली जाती हैं आज मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूं फ्रेंड उनके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए विदाउट स्किप करे हुए अगर स्किप करके देखते हैं तो उसमें प्रॉपर चीज़ें पता नहीं चलती हैं जैसे मेटेरियल टाइप साइज थिकनेस आई वैल्यू डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ए प्रूफ लाइफ इंडेंट टेस्ट फ्रेंड्स आप अगर प्रॉपर ढूंढेंगे गूगल भी करें कहीं भी ढूंढेंगे तो आपको सारी चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी ठीक है और कैसे इंटेंड करते हैं मैं वो भी बताऊंगा क्या क्या चीज में होनी चाहिए आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट फ्रेंड देखिए पैनल पे... रबर मैट पैनल रबर मैट मैंने यहां लिखा हुआ है इसको इंसुलेशन रबर मैट भी कहते हैं जो एच और एल के पैनल के सामने डाली जाती है मेटेरियल क्या होता है फ्रेंड जिस मेटर से ये बनी होती है देखिए रबर जैसे लिखा हुआ है तो रबर तो यहां होगी क्या होगा रबर तो यहां होगी क्योंकि इसमें रबर लिखा हुआ है ठीक है प्लस रबर के साथ साथ इसमें लेटेक्स एक लेटेक्स एक होता है वो प्लस इलास्टोमे, इलास्टोमेरिक इलास्टोमेरिक कंपाउंड ठीक है फ्रेंड ये तीन मेटर होते हैं तीन कंपाउंड होते हैं तीन मेटरल होते हैं जो इसमें यूज किया हैं। अच्छा, ये नेचुरल भी आते हैं फ्रेंड और ये सिंथेटिक भी आते हैं यानी जो केमिकल से बनाए जाते हैं वो भी होते हैं और ये नेचुरल भी आते हैं तो अब क्या होता है या तो इन तीनों को मिलाकर या किसी दो को मिलाकर के बनाया जाता है तो नॉर्मली ये तीनों को मिलाकर ही बनाया जाता है किसका रेशियो कितना कितना रहता है वो मैं इसमें डिफाइन नहीं करूंगा जो तीनों को मिलाकर के बनाया जाता है उसको बोलते हैं इलास्टोमर क्या बोलते हैं फ्रेंड इलास्टोमर ठीक है तो ये किस किस मेटेरियल की बनी होती है आप सिंगल भी बोल सकते हो इलास्टोमर या आप बोल सकते हो रबर लेटेक्स और इलास्टोमेरिक कंपाउंड को मिलाकर बनाई जाती है फ्रेंड कितने टाइप की होती है ठीक है तो ये चार टाइप की होती है जैसे मैं लिख देता हूं टाइप तो टाइप को फ्रेंड क्लास भी बोलते हैं क्या क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास और डी क्लास अब ए क्लास कौन सी होती है बी क्लास कौन सी होती है सी क्लास देखिए ए सी की अगर वोल्टेज की बात करें के बी में तो और डीसी की वोल्टेज की बात करें तो ए क्लास वाली थ्री पॉइंट थ्री के वी तक आती है ठीक है जो एक क्लास आप मंगाओगे तो थ्री पॉइंट थ्री के वी तक होती है बी ग्यारह के वी सी के केवी और डी छियासठ के बी छियासठ के बी से ऊपर के लिए कोई भी रबर मैट नहीं आती है ठीक है फ्रेंड ये क्लियर है अब डीसी की अगर मैं बात करूं तो डीसी केवल 240 वोल्ट कितना 240 वोल्ट यानी ये 240 वोल्ट से ज़्यादा हमें सेफ नहीं कर सकती फेंट पैनल पेन जो पैनल रबर होती है जो पैनल के इंसुलेशन टेस्ट इंसुलेशन की रबर मैट होती है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जब हम उस पर खड़े होकर काम कर रहे हैं तो वो हमें शौक से बचा ले यानी ह्यूमन बींग को शौक से बचा ले अगर करंट लगे तो वो हमें ग्राउंड ना होने दे अर्थ ना मिलने दे ठीक है तो डीसी पर अगर अगर हम काम कर रहे हैं तो 240 वोल्ट से ज़्यादा नहीं काम करती मीनस हमारे लिए डीसी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और ये इंसुलेशन रबर मैट भी डीसी पर केवल 240 वोल्ट तक ही काम करती है ज्यादा नहीं करती है ठीक है लेकिन एसी पर छियासठ के बी तक काम करती है ठीक है अब बात करते हैं फ्रेंड साइज की ठीक है तो साइज देखिए इसमें कौन कौन से साइज आते हैं स्टैंडर्ड साइज है इसके एक मीटर चौड़ी ठीक है फ्रेंड एक मीटर चौड़ी और पांच मीटर लंबी इस तरीके से बनी होती है ये स्टैंडर्ड साइज की मिलेगी एक मीटर चौड़ी और पांच मीटर लंबी फ्रेंड वैसे इसके रोल भी मिलते हैं अगर आप चाहो तो रोल भी मिल जाता है लेकिन स्टैंडर्ड साइज एक मीटर बाई पांच मीटर और एक मीटर बाई दो मीटर या तीन मीटर में भी आती हैं इन साइजों में आती हैं ठीक है एक मीटर बाई पांच मीटर इसका स्टैंडर्ड इस साइज है वो नॉर्मली मिलेगा दो मीटर और तीन मीटर हम बनवा सकते हैं तो हमें काट करके दे देते हैं ठीक है फ्रेंड अब एक चीज मैं और इसमें बता दूं कि जो ये साइज के साथ साथ में फ्रेंड एक चीज़ देखी जाती है कि जो इंसुलेशन मैट uh, आती है रबर मैट वो एक तरफ एक तरफ तो चिकनी होगी मीन्स और एक तरफ उसका जो ए, एक साइड होगी वो रफ होगी थोड़ी सी जिससे उस वो फिस लेना स्लिपरी ना हो मान लो कुछ गीला हो गया कुछ हो गया हमने पैर रखा तो वो स्लिप ना करे ठीक है ये चीज़ ध्यान रखने की होती है नेक्स्ट बात करते हैं थिकनेस की अब मैं इसकी अगर थिकनेस की बात करूं तो फ्रेंड इसकी थिकनेस अलग अलग आती है एक क्लास की थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो वो दो एम mm होगी कितनी होगी दो एम एम बी क्लास टू पॉइंट फाइव एम एम सी क्लास थ्री एम एम और डी क्लास थ्री पॉइंट फाइव एम एम ठीक है तो फ्रेंड ये एम mm का मतलब क्या है कि दो एम mm से भी देखिए अगर आप वर्नियर से चेक करेंगे तो उसमें वो टेन टू फिफ्टीन परसेंट प्लस माइनस मिल सकता है यानी दो एम mm का दस परसेंट से 15 परसेंट के बीच में जो भी आएगा पॉइंट में पॉइंट जीरो टू पॉइंट टू वो एम mm एम कम हो सकती है जैसे दो एम एम का दस परसेंट निकाला तो पॉइंट टू तो वो कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है वैसे अगर हम स्केल से मोटाई चेक करते हैं तो एग्जैक्ट दो एम एम तीन एम एम ऐसे ही दिखाई देती है तो आप मोटाई चेक करके भी ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये ए क्लास की है बी क्लास की है सी क्लास की या डी क्लास की है ठीक है फ्रेंड अब बात करते हैं आई आर वैल्यू यानी मेगर वैल्यू आई आर वी एल वैल्यू मीनस इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट या मेगर वैल्यू वैसे तो इसका इंसुलेशन कर टेस्ट करने के लिए प्रॉपर टेस्ट मेथड है आईएसआई के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लेकिन मैं बताता हूं वैल्यू कितनी होती है टेस्ट में फिर कभी बात बताऊंगा देखिए अगर आई वैल्यू की मैं बात करूं तो यदि हम 5000 वोल्ट के मेगर से करते हैं ठीक है 5000 वोल्ट के मेगर से करते हैं तो इसकी वैल्यू एक लाख मेगा ओम एक लाख मेगा ओम होनी चाहिए और यदि हम 500 वोल्ट के मेगर से करते हैं तो 10 लाख मेगा ओम होनी चाहिए ठीक है कितनी होगी इतनी होनी चाहिए क्लियर अब फ्रेंड देखिए डाईलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ और एसी प्रूफ वोल्टेज इस पर मैं बाद में बात करता हूं अभी मैं बात करता हूं लाइफ इसकी लाइफ कितनी होनी चाहिए फ्रेंड अगर आप लाइफ की बात करें तो इसकी लाइफ टेन टू फिफ्टीन ईयर होती है यानी 10 से 15 साल में इसका कुछ नहीं बिगड़ता खराब नहीं होती वियर एंड टीयर भी नहीं होता इसमें और ये चलती रहती है अच्छा एक चीज और इसके साथ साथ मैं बताता हूं लाइफ के फ्ले, फ्लेम फ्लेम रिटार्डेंट होती है फ्रेंड ये फ्लेम रिटार्डेंट मीन्स कि अगर दस सेकेंड तक कोई भी लो कोई भी आग दस सेकेंड तक उसको आग में रखा जाए तो वो उससे उससे रबर मैट पर बिल्कुल निशान भी नहीं आना चाहिए तब वो फ्लेम रिटार्डेंट होती है फ्लेम रिटार्डेंट के साथ साथ एसिड रिटार्डेंट यानी एसिड भी और ऑयल भी इस पर कुछ नहीं असर करता एसिड में भी खराब नहीं होगी ऑयल में भी खराब नहीं होगी और आग भी नहीं लगेगी उस तरीके की यह होती है और 10 से 15 साल इसकी लाइफ है तो हमें इसको 15 साल के बाद चेंज कर लेना चाहिए या 10 से 15 साल के बीच में अगर लग रहा है कि डैमेज होने लगी है खराब होने लगी है, है क्रैक होने लगी है तो इसको चेंज कर लेना चाहिए ठीक है फ्रेंड उसके बाद मैं बात करता हूं आपको देखिए इसकी बात कर लेते पहले एसी प्रूफ वोल्टेज और स्ट्रेंथ ये दो चीजें हैं तो एसी प्रूफ वोल्टेज और स्ट्रेंथ में ज्यादा फर्क नहीं होता है है बात एक ही है, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है पहले मैं बात करता हूं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट का क्या मतलब है कि अगर इंसुलेशन रबर मैट जो है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट किया जा रहा है तो वो कितने पर जाकर के पंचर हो जाएगी ठीक है कितनी वोल्टेज पे जाके पंचर हो जाएगी तो फ्रेंड देखिए जो 3.3 पॉइंट के वाली है ये तुम्हारी टेंथ में इसकी यहां लिख देता हूं ये होगी कितने पे 30 के पे ये 30 केबी तक झेल जाएगी और 30 केबी पे जाके पंचर हो जाएगी ठीक है जो 3.3 पॉइंट थ्री केवी पे नॉर्मल कर वर्क करेगी उतने तक शौक हमें नहीं लगने देगी लेकिन अगर हम प्रॉपर इसको सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते चेक कर रहे हैं स्ट्रेंथ इसकी तो 30 केवी। जो 11 बढ़ातेवी वाली है वो 45 फाइव केवी तक झेल झेल लेती है तैतीस केवी वाली पैसठ केवी ठीक है और फ्रेंड छियासठ केवी वाली एक सौ दस केवी पे जाके पंचर होती है कितने पे एक सो दस केवी पे ए वाली तीस के बी बी वाली फोर्टी फाइव के भी सी वाली सिक्सटी फाइव के भी और डी एक सौ दस के बी तक पंचर होती है अब फ्रेंड यह होगी डाईलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि जब हम उसको वोल्टेज दे रहे हैं तो वोल्टेज जब हम बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं तो वो वहां जाकर के जैसे ही तीस पे पहुंचे तीस से ऊपर पहुंचेगी वो पंचर हो जाएगी ठीक है लेकिन एक होती है स्टैंड वोल्टेज मीन जिस वोल्टेज पे अगर हम मान लीजिए कोई वोल्टेज इस पर बराबर बढ़ा बढा के रोक रहे हैं और कोई वोल्टेज तीन मिनट तक अगर ये बियर करती है तो वो कहलाती है एसी प्रूफ वोल्टेज मीनस कितनी वोल्टेज ये स्टैंड कर सकती है एसी प्रूफ वोल्टेज फ्रेंड मैं यहां से कुछ मिटा देता हूं तब मैं उसमें लिख दूंगा देखिए फ्रेंड ए टाइप की जो है दस के भी तीन मिनट के लिए बियर कर सकती है यानी तीन मिनट तक अगर हम दस के भी वोल्टेज दे के रखेंगे तो वो पंचर नहीं करेगी बी वाली बाईस केवी बाईस केवी वोल्टेज तीन मिनट तक ये बियर कर सकती है पंचर नहीं होगी सी वाली होगी फ्रेंड छत्तीस केवी जो तैतीस केवी के लिए है ये अगर इसको हम छत्तीस के बी या इलेवन वाली को डबल भी दे दें तो सी वाली जो है तैतीस को छत्तीस के वी तक देंगे तो तीन मिनट तक वियर इजीली कर लेगी ठीक है फ्रेंड अब डी वाली की बात करें तो ये छियासठ के बी के लिए होती है ये केवल सत्तर केवी वोल्टेज तक तीन मिनट अगर हम स्टैंड करते हैं तो ये वियर कर लेगी आई समझ में तो ये हो गई एसी प्रूफ वोल्टेज और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फ्रेंड ये वोल्टेज भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के थ्रू ही चेक की जाती है जैसे ही दस केबी पर पह हम पहुंच जाते हैं तो तीन मिनट के लिए हम रोक देते हैं अगर तीन मिनट तक वो पंचर नहीं हुई दैट मीनस वो प्रूफ हो गई ठीक है आगे फिर उसका वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं जैसे तीस केवी जाके पंचर होती है तो हमें पता चल जाता है कि तीस केबी पर पंचर हो गई ठीक है अब हम बात करते हैं इंडेंट इंडेंट कैसे करें यानी जब हम इंडेंट करें तो क्या क्या उसमें बताएं तो देखिए फ्रेंड इंड में आप पहले सबसे पहले टाइप बताएं कौन सी क्लास की आपको लेनी है ए क्लास की अगर आपको एल पैनल के लिए चाहिए तो ए क्लास लीजिए अगर इलेवन के बी यानी एच पैनल के लिए चाहिए तो बी क्लास लीजिए तैतीस तो के बी पर काम करना है तो सी क्लास लीजिए और तैतीस से ऊपर छियासठ के बी पे काम करना है तो डी क्लास लीजिए ठीक है तो क्लास यहां से लिखेंगे क्लास ए चाहिए क्लास बी चाहिए क्लास सी चाहिए एल्टी पैनल के लिए क्लास ए चाहिए ठीक है क्लास ए लिखने के बाद आपको थिकनेस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लास ए डिफाइन अगर आपने कर दिया तो ये सारी चीजें उसमें वैलिड हो गई यानी ये चीजें उसमें होंगी साइज फिर लिखें दूसरा साइज क्लास लिख दिया अब लिखें साइज कि एक मीटर बाई पांच मीटर चाहिए एक मीटर बाई दो मीटर चाहिए एक मीटर बाई तीन मीटर चाहिए स्टैंडर्ड है चौड़ाई एक मीटर मिलेगी लेंथ उसमें दो तीन और पांच में आपको मिल जाएगी लिख दिया अब आपने साइज लिख दिया और ये लिख दिया फिर आप उसमें लिखें फ्रेंड कि जो उसकी मेक है मेक किस कंपनी का आप लेना चाहते हैं तो कुछ मेक मैं आपको बता देता हूं जो आ, अच्छे हैं फ्रेंड जैसे लक्ष्मी के नाम से आती है एक लक्ष्मी इंडस्ट्री है तो लक्ष्मी की रबर मैट आती है वर्धमान की आती है ठीक है बहुत सारे मेक हैं लक्ष्मी की आती है वर्धमान की आती है और एक आती है ड्यूराटफ ठीक है फ्रेंड क्या ये ड्यूराटफ की बहुत अच्छी होती है ड्यूराटफ आती है और फ्रेंड बहुत सारे लोकल ब्रांड भी हैं बहुत सारी आती हैं लेकिन मेक हो गया साइज हो गया टाइप हो गया और चौथी चीज इसमें देखें फ्रेंड वो आई एस आई मार्क होना चाहिए पंद्रह छः सौ बावन ठीक है आई एस आई मार्क उस पर जरूर हो और ये चार चीजें आप उसमें देखें प्रॉपरली इंडेंट करते समय मेक का ध्यान रखें साइज का ध्यान रखें टाइप का ध्यान रखें इजीली कर देंगे और आई जब आप लें तो उस पर आई एस आई मार्क का होना चाहिए प्रॉपरली मेक होना चाहिए और किस लॉट की है वो सारी डिटेल उस पे पड़ी हुई होती है वो नॉर्मली उसमें होगी यह होगी अब लास्ट बात करते हैं फ्रेंड टेस्ट टेस्ट तो टेस्ट इसमें कौन कौन से होते हैं देखिए आई टेस्ट होता है डाइलेक्ट्रिक टेस्ट होता है एसी प्रूफ टेस्ट होता है लीकेज करंट टेस्ट होता है तो लीकेज करंट की मैंने बात नहीं की फ्रेंड लीकेज करंट जो है 10 माइक्रो एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए यानी लीकेज करंट का मतलब अगर उसमें शोक लगने की के दस माइक्रो एम्पियर से ज्यादा लीकेज नहीं होना चाहिए करंट का वो होता है लीकेज करंट टेस्ट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें यदि आप मुझे कमेंट में बोलते हैं कि टेस्ट कैसे किया जाता है यानी डायलेक्ट्रिक टेस्ट कैसे करते हैं और ये एक मिनिमम वोल्टेज सॉरी मिनिमम टेम्परेचर सुप्रीम मिनिमम टेम्परेचर होता है वो टेस्ट होता है लो लो टेम्परेचर टेस्ट होता है तो वो कैसे करें ये दो तीन तरह के डायलैक्टिक टेस्ट कैसे करें अगर आप मुझे कमेंट में लिखते हैं कि हमें टेस्ट के बारे में भी बताइए कि कैसे टेस्ट करते हैं तो मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अदरवाइज नहीं बनाऊंगा क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे हमें इन्हीं बातों को जानना रबर के बारे में रबर मैट के बारे में जरूरी है आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद